आज की इस मीटिंग में आप सभी का परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने समय पर हम इस चर्चा को आरंभ कर रहे हैं और बीच में जिस तरह से भी अन्य लोग जुड़ना चाहेंगे, जो जिज्ञासु हैं वो जुड़ते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय का और लाभ ले लें इस दृष्टि से इसको हम आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, कल इसका प्रथम भाग था भारतीय प्रतीक विद्या का स्वरूप एवं उसके दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार। और कल हमें बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिली थी जो हमारे ध्यान में पहले नहीं थी, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से ऐतिहासिक क्रम में हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृतियों से लेकर के बुद्धिज्म, जैनिज्म और आगे चलते हुए हिंदू और बाकी सब जगहों पर हमें कितनी तरह के प्रतीक उपलब्ध होते हैं, जो पत्थरों पे उकेरे हुए हैं या अन्य जगहों पर हमें उपलब्ध होते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से कल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा उन चीजों को हमें प्रदर्शित किया गया था। और दूसरा जो पक्ष था, दूसरे पक्ष में हमें ये स्पष्ट हुआ था कि किस तरह से नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स और जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में अंतर था, कि किस आधार पे उन टेम्पल्स को बनाया गया है और वास्तु का उसमें किस तरह से प्रयोग किया गया है। और उसके साथ साथ 64 कलाओं के ऊपर भी कल डॉक्टर वीरेंद्र जी ने जो है अपनी बात हमारे साथ शेयर की थी, और 64 कलाओं के लिए उपलब्ध जो हमारे पास इंदिरा गांधी सेंटर में जो उपलब्ध है उन्होंने पूरी सूचना हमारे साथ साझी की थी। तो कुल मिलाकर के वो सत्र हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां दे गई थी, जानकारियां हमें दे दी थी उस सत्र ने, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमारे पास कुछ चीजें ऐसी रह गई, कुछ प्रश्न ऐसे रह गए, कुछ जिज्ञासाएं ऐसी रह गई जिसने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि इसको हम कंटिन्यू कर लें और तुरंत कंटिन्यू कर लें। क्योंकि विचार एक ऐसी बात है कि जिस वक्त तो वो चल रहा है उस वक्त तो उसमें अग्रसरता बनी रहती है, लेकिन एक बार वो हाथ से निकल गया तो फिर वो दोबारा हाथ में आना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यही बात ध्यान में रख करके जो कुछ कल के प्रश्न शेष रह गए थे, जिज्ञासाएं शेष रह गई थी, वो हमने सोचा कि आज उनको हम टेकअप करते हैं। तो लगभग घंटे सवा घंटे का ये पूरा पूरा सत्र रहेगा, और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी, जो पूर्व प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर रहे हैं संस्कृत विभाग में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का मुख्य वक्तव्य उनका रहेगा, और उनसे मैंने आग्रह किया था कि वो यज्ञ के जो प्रतीक हैं और अन्य जो बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ और डॉक्टर साहब के साथ शेयर करूंगा, उनके ऊपर वो अपनी बात हमारे साथ रखेंगे। और साथ ही साथ जो प्रतीक शब्द है या प्रतीक के अर्थ हैं उनको भी हमारे साथ वो शेयर करें। तो मुख्य वक्ता के लिए और आप सभी जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं पहली स्लाइड में अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक तरफ यज्ञ के एक प्रतीक है, एक चित्र है। यज्ञ में किए जाने वाले दो तरह के प्रतीक हैं, एक तो यज्ञ कर्मकांड करते हुए जो आप उपकरण इस्तेमाल करते हैं उनके प्रतीक भी हो सकते हैं, लेकिन यज्ञ अपने आप में प्रतीक है सृष्टि में। जैसे कि मंत्रों में भी देखने में आता है कि यज्ञ जो है वो सारी सृष्टि में चल रहा है, और यज्ञ के कई अर्थ हमें देखने को आते हैं, जहां पर वो पार्टिसिपेशन के अर्थ में भी आता है और इस अर्थ में भी आता है सामाजिक संदर्भों में, कि आप जब तक अर्न नहीं करते तो एक तरह से अर्निंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल इकोनॉमिक एंगल भी इसका हमें दिखाई देता है, कि एक तरह से आपके राइट टू अर्न एंड ड्यूटी टू डिस्ट्रीब्यूट, ये भी इसका एक पक्ष है। बाकी उसके आध्यात्मिक पक्ष भी उपलब्ध होते हैं कि आप देवताओं से उसको कैसे जोड़ते हैं, ये एक अलग पक्ष है। फिर उसके बाद ये
आप यूं समझिए कि ये जो फर्स्ट स्लाइड है, इसी में मैंने लगभग सारे जो जिज्ञासाएं हैं वो समाहित करने का प्रयास किया है। यज्ञ से आगे जब हम चलते हैं तो हमें यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये बड़े सिंबल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे प्रतीक दिखाई देते हैं। और जैसे कि कल मैंने ये आप लोगों के साथ बात साझी की थी कि जो प्रतीक होते हैं वो मनुष्य और सृष्टि के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, उसके संबंध को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। और दूसरा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ या बहुत सारे मनुष्यों के साथ कैसे कम्युनिकेट करे, उसके लिए भी हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो इस अर्थ में ये जो स्लाइड के इस भाग में आप देख रहे हैं, यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये भी अपने आप में पूरी एक प्रतीक विद्या है। और ये भी कल मैंने स्पष्ट किया था कि हम इसको शिक्षा नहीं कह रहे, क्योंकि शिक्षा प्रशिक्षण हो जाता है, विद्या का संबंध जानने से ज्यादा है। फिर आप एक जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था वो ये था कि ये जो लिपि में आकृतियां आप देखते हैं, ये जो अ आ ई उ देख रहे हैं ध्वनियां, और इनके जो आकृतियां हैं इनके आपस में संबंध क्या है, ये कैसे पूरे एक समाज में स्वीकृत की गई होंगी। ये तो चलिए यहाँ का उदाहरण हो गया, बाकी भी अन्य अन्य स्थानों पर, अन्य अन्य समाजों में जिस तरह की लिपियां प्रचलित हुई हैं, उन लिपियों को जो प्रतीक, वो प्रतीक ही है लेकिन उनके पीछे क्या समाज का मनोविज्ञान रहा होगा या क्या उसके पीछे दर्शन रहा होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न था जो रह गया। फिर मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये संख्याओं को देखें तो ये संख्याएं भी प्रतीक हैं और इन प्रतीकों से ही हम सारा व्यवहार चला रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप इस जीरो को देखते हैं, शून्य को देखते हैं, एक की आकृति को देखते हैं, दो तीन चार या इन सभी आकृतियों को देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये आकृतियां क्या द्योतित करती हैं, ये किन अर्थों को निश्चित करती हैं? क्योंकि सामान्य रूप से किसी भी मैथमेटिशियन से अगर आप पूछेंगे कि एक क्या होता है या दो क्या होता है, तो वो कठिन हो जाएगा उसके बताने के लिए। वो उसके व्यवहार को तो बता सकता है लेकिन एक का स्वरूप क्या होता है ये बताना बड़ा कठिन है। और अभी तक तो मुझे इसका कोई उत्तर ऐसा तो मिला नहीं है कि एक क्या होता है, या वो केवल एक मानी हुई संख्या है। और अगर यदि आपने सिर्फ माना हुआ है तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत रुचि की बात नहीं है, उसमें फिर अग्रसरता नहीं होती, जानने में अग्रसरता है। तो मानने और जानने के बीच में सारे प्रतीक आपके खड़े हैं। आप प्रतीकों को मानते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर प्रतीकों के विषय को जानते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब एक और आप देखिए इसी स्लाइड में नीचे की ओर, इन मुद्राओं को देखिए। आप तंत्र मंत्र आदि अन्य सब जगहों पर योग में मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, गायत्री के संदर्भ में जो संध्योपासन आदि करते हैं, उन सब को भी आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, मुद्रा का आप प्रयोग करते हैं। और ये मुद्राएं बड़ी सुंदर मुद्राएं हैं और बड़ी रहस्यमय मुद्राएं हैं, लेकिन इन मुद्राओं के अर्थ क्या है ये हम नहीं जानते। फिर नृत्य में प्रयोग की जाने वाली कितनी सारी मुद्राएं हैं आप ये देख सकते हैं, नीचे सारी नृत्य मुद्राएं हैं और प्रत्येक मुद्रा निश्चित मुद्रा है, उसका निश्चित नाम है और उसके पीछे अर्थ भी है। कल हमने एक बात और भी की थी कि इसी तरह से सिखिज्म में भी बहुत सारे हमें जो है वो प्रतीक मिलते हैं, जहां पर एक ओंकार और खंडा पर्टिकुलरली इन दो के बीच में सब टोटल सिखिज्म के प्रतीक हमें उपलब्ध होते हैं। और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़े हुए तो बहुत सारे प्रतीक हैं, कभी बाज भी है, घोड़ा भी है और सारी चीजें जुड़ी हुई। तो कुल मिलाकर के ये एक पूरा पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर आज के वक्ता का वक्तव्य अपेक्षित है। हालांकि मैं जानता हूँ ये बड़ा दुर्भर कार्य है कि इतने सारे प्रश्नों को, इतने सारे आयामों को, प्रतीक के आयामों को हम एक साथ लगभग 40-45 मिनट में, 35-40 मिनट में उसको समेट दें, तो कठिन तो है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा एक दृष्टि हमारे सामने आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सुखद हो सकता है। परिचय मैंने पूर्व में करा ही दिया है, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत आंगिरिस जी का, जो पूर्व प्रोफेसर रहे हैं कालिदास चेयर में, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और आजकल प्रेसिडेंट हैं दर्शन योग संस्थान डलहौसी के। और उनके विषय में आप सभी जानते ही हैं कि उनकी पुस्तकें और उनके बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन आयोजित होते रहे। और कल एक जो हमने चित्र देखा था वो भी आपके सामने है, श्री यंत्र इसे
साधना की दृष्टि से नहीं, केवल एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इनको देखेंगे तो इसमें बहुत सारा कुछ देखने को आएगा, वो मैंने कल संक्षिप्त से टिप्पणी की। और अंत में एक बार फिर कल जो बात हमने प्रश्नों से शुरू की थी उन प्रश्नों को एक बार दोहरा लेते हैं और फिर मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें कि डिफरेंस जो है वो सिंबल और मार्क चिन्ह के बीच में, प्रतीक और चिन्ह के बीच में क्या अंतर है, ये हमारा एक प्रश्न था। यहाँ से कल हमने बात शुरू की थी, साथ ही साथ कि क्या सिंबल जो हैं, जो प्रतीक हैं, वो क्या कुछ एक्सप्लेन करते हैं या अपने साथ कौन कौन से मीनिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और क्या सभी चिन्ह प्रतीक कहला सकते हैं कि नहीं कहला सकते, ये भी प्रश्न था। फिर इन प्रश्नों को जब हमने देखने का प्रयास किया था तो हमने ये देखा था कि प्रतीक जो है वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से हम उनको प्रयोग करते हैं, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो आपकी गृहस्थी है, चाहे वो आपका किचन है, किचन में भी आप प्रतीकों को ही प्रयोग कर रहे हैं, व्यापार में भी प्रतीकों को प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी हमारा था कि ये प्रतीक किन मूल्यों को चिन्हित करते हैं। किसी ने बुद्ध की मूर्ति रखी है, किसी ने गणपति की मूर्ति रखी है, किसी ने अभय मुद्रा में उनकी मूर्ति रखी हुई है, आदि आदि जो भी है, तो वो सिग्निफाई वैल्यू सिस्टम क्या सिग्निफाई करते हैं। और तीसरी जो इसमें नीचे की ओर आप बात देख पा रहे हैं वो क्या थी कि ये प्रतीक इतिहास में किस प्रकार से ये आज तक चलायमान रहे हैं और ये किस तरह के विचारों को और भावों को और किस तरह के अन्य जितनी भी भाव हो सकते हैं या जो भी आप कहें कि सोशो कल्चरल मीनिंग जितने भी रहे होंगे वो तो कैसे ये अपने आप में समेट करके हमारे तक आज तक लेकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीन पक्ष जो हैं हमें थोड़े से ध्यान में ये भी रखने होंगे। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आप सभी के साथ जो कल की समरी थी और जो कुछ प्रश्न थे वो आप सभी लोगों के साथ और मुख्य वक्ता के साथ आज साझा किया है। तो इससे पूर्व कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं, यदि श्रोताओं में से, प्रतिभागियों में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा या कोई टिप्पणी हो तो वो उस वक्तव्य से पूर्व रख लें ताकि हम उनका फिर वक्तव्य जो है वो आरम्भ करा सकें। शेष प्रश्न उत्तर तो बाद में रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रतिभागियों की कोई इस तरह की जिज्ञासा है तो कृपया रख सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करें और रख सकते हैं। नहीं है तो हम आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना वक्तव्य जो है हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर रमाकांत आंगरे, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपने वक्तव्य जो है हमारे साथ साझा करें। सभी बंधुओं को, सभी श्रोताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज की इस वक्तव्य को प्रारंभ करने से पूर्व मैं थोड़ा संकेत कर देना चाहता हूँ कि साहित्य और दर्शन में जब हम किसी विषय को लेते हैं तो उस विषय में वो एक तरह से जैसे गांठ खुलती है, ऐसे गांठ खुल जाती है। वो गांठ खुलती है तो उसमें बहुत कुछ बिखरने का भय भी रहता है और उसका उपेक्षित हो जाने का भी भय रहता है। तो इसलिए किसी भी शास्त्रीय विषय के बारे में जब चर्चा हम करते हैं तो उसमें थोड़ा उसको पॉइंटेड बनाने का प्रयास करते हैं हम, कि इसका एक जो मुख्य बिंदु है
और उस मुख्य बिंदु का फिर विकास कैसे होता चला गया, वो बिंदु जो है वो धीरे धीरे कैसे एक सरिता का रूप उसने कैसे ले लिया, किस तरह से उसका विकास वृक्ष बन गया, उस दृष्टि से हम देखते हैं। तो आज की ये चर्चा पर डॉक्टर आशुतोष सांगिरस ने जो विषय रखा है बहुत उसका विस्तार बहुत अधिक है, और लेकिन उसका संक्षेप में कुछ चर्चा करूंगा मैं कि कुछ एक जो बिंदु है कि जिनको हम थोड़ा एक पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण कर लें कि प्रतीक का कि एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया, और ये बराबर वैदिक काल से ही ये शब्द हमारे तक यात्रा करता रहा है, लेकिन आधुनिक उसमें कला संकायों में या ये जो साहित्यिक और सांस्कृतिक परिचर्चाओं के अंदर आधुनिक युग के अंदर इसके विषय में खुल करके ये सौंदर्य शास्त्र के अंदर इसकी परिचर्चा ज्यादा विस्तार से होने लगी है। पश्चिम के विद्वानों का भी इस ओर बड़ा ध्यान गया, पश्चिम के विद्वानों ने भी उसमें अभिव्यक्ति के प्रकारों की ओर बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी बातें कही हैं, विश्लेषण किया है, लेकिन मुख्यतः उसको कला के संदर्भ में ही ज्यादा परिचर्चा हुई है। तो कला के संदर्भ में परिचर्चा करते समय तो उन लोगों ने एक चार उसके भाग कर दिए, क्योंकि प्रत्येक कलाकार अपनी कला के माध्यम से कुछ ऐसा संप्रेषित करना चाहता है, ऐसा कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ, जो अगर भारतीय दृष्टि से कहें तो मीमांसकों की एक टर्म है अपूर्व, कि एक ही कलाकार जितनी बार भी वो अपना आइटम प्रस्तुत करता है, देखने में सभी लोग कहेंगे कि हाँ वो उसका नृत्य जो है, उसका जो कला है, उसका चित्र निर्माण है, मूर्ति निर्माण है, या जो कुछ भी है वो उसकी कला, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना दिया है। लेकिन एक मीमांसक लोगों का ये विचार रहा है कि ऐसा नहीं होता है कि कला जो है वो जितनी बार भी वो प्रस्तुत करता है तो उसमें एक अपूर्व नामक का तत्व उत्पन्न होता है, इसीलिए उसमें आनंद आता है, उसमें हम बार बार उस कथा को सुनते हैं, बार बार उस चीज को देखते हैं, बार बार उसका उसके साथ अपना एक अनुष्ठान बना लेते हैं। उसका कारण यही है मुख्य रूप से कि हम पुनरावृत्ति नहीं उसे कहते हैं, वो पुनरावृत्ति की अपेक्षा हम उसको इस रूप में लेते हैं कि वो वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है उसे एक अपूर्व उत्पन्न होता है। अब इसका ध्वनिकार ने संकेत किया है अपूर्वम यद वस्तु, कि कवि लोग जब भी रचना करते हैं ऐसी कि उससे एक अपूर्वता का अनुभव होता है। जो अपूर्व का मतलब क्या है कि जो पहले नहीं था, हर बार वो जो नया, हर बार एक्सपीरियंस जो है वो नया ही है, उसको नया भी नहीं कहते हैं, अपूर्व शब्द से उन्होंने संकेत किया है कि वो इसी उसकी थोड़ी अभिव्यक्ति जो है जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। तो ये अभिव्यंजना के मनुष्य जो है उसका है, बहुत सारी उसकी ये अभिव्यक्त करने की अपनी समस्याएं रही हैं कि वो सबसे प्रमुख उसके पास जो माध्यम रहा है वो तो भाषा ही उसका माध्यम रहा है, शब्द माध्यम रहा है, लेकिन शब्द माध्यम से भी बहुत सारी बातें जो हैं वो अनकही रह जाती हैं, और वो जो अनकही रह जाती हैं जब उस प्रकार से
वो एक सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति के अन्य प्रकारों से वो अपना प्रभाव छोड़ पाती हैं। इसलिए ये जो संकेत किया जाता है शास्त्रकारों के द्वारा कि आकार ही रिंगित ही चेष्टया गत्या भाषणे निच नेत्र वक्त विकारेश्च लक्षते अंतर्गतम मन, अंतर्मन जो है मनुष्यों का अंतर्मन में क्या छिपा होता है, भीतर का क्या रहस्य है जिसे हम बाहर लाना चाहते हैं, उसको हमारे भीतर एक कुछ ऐसी सुखबुगाहट है, एक ऐसी कसमसाहट है जिसको प्रत्येक मनुष्य के भीतर कुछ है तो सही, लेकिन वो स्वयं ही उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, स्वयं ही उसको जानता नहीं, अपने स्वात्म में प्रवेश नहीं कर पाता है जिसके कारण। तो इसलिए वो कहते हैं कि आकार से, आकार के निर्माण से हम मुद्रा, जिसे हम कह रहे हैं कि ये अभिनय के अंदर इसका बड़ा महत्व रहता है आकार का, ये आकार के माध्यम से ही आकार के ऊपर जो अभी अभिव्यंजनाएं लाते हैं उन्हीं के प्रभाव के कारण ही किसी भी अभिनेता को उसे अभिनय कला के अंदर उसका महत्व मिलता है। इंगितों का, इंगित जो है वो एक तरह के इंडिकेटर्स हैं, एक संकेत देने वाले हैं, और ये संकेत भी बड़े महत्वपूर्ण है, और उसके अंदर जो कहे ये प्रकार कहे हैं, इंगित है, चेष्टाएं हैं, भाषण है, और नेत्र और वक्त्रों के विकार जो है, नेत्रों के माध्यम से, नेत्रों में जो हम एक ऐसा आलोक ले आते हैं, कलाकार जो है वो अपने केवल मात्र चित्रकार जो है वो उनके अंदर एक एक अंग के माध्यम से ही वो बहुत कुछ कह जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए थोड़ा ये विचार करें कि भारतीय दृष्टि से, क्योंकि अगर बहुत विस्तार से करेंगे तो इतने समय में मैं समझता हूं कि बहुत संभव नहीं हो सकेगा, तो इसे विशुद्ध रूप से भारतीय थोड़ा परिप्रेक्ष्य में ही इसको सीमित करके देखते हैं कि कितनी बात उसमें कही जा सकती है। तो उसमें सामान्यतः बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि ये प्रतीक का अभिप्राय क्या है, प्रतीक होता क्या है। तो प्रतीक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी कई जगह हुआ है, और खास तौर पर उसके छठे मंडल में भगवान सूर्य के संदर्भ में, सूर्य के स्तवन में ये कहा है कि उक्तो न प्रतीकम, कि ये उषा का जैसे प्रमुख उज्ज्वल होता है उसी प्रकार से वो उज्ज्वल वस्तुओं का अपने भक्तों के लिए, अपने वो वरेण्य वस्तुओं का उसी तरह से वो वरदान देते हैं, उसी प्रकार के उनको जो कुछ भी उसमें संपदा है उस संपद का निर्माण करते हैं अपने भक्तों के। तो उक्षो न प्रतीकम मंत्र के अंदर वहां पर उक्षो न प्रतीकम पद का अर्थ वहां पर जो अवेलेबल होता है वो अर्थ है उसका मुख, प्रतीक का जो मौलिक अर्थ रहा वो मुख ही रहा है, और मुख का ही सामुख जो है जिसका मुख आपकी तरफ है, जब आप बात करते हैं तो कोई भी बात जब आदमी करता है तो उसका मुख आपके मुख की तरह और आपका मुख उसके मुख की तरफ होता है, तो इसलिए उसका जो मौलिक अर्थ जो रहा वो चेहरे का रहा, चेहरे में ही एक प्रकार का आलोक और चेहरे के ऊपर ही उसमें सब प्रकार की उसमें अभिव्यक्तियां जो है लाने की सामर्थ्य होती है, और चेहरे से ही सौंदर्य का प्राय 90% हम लोग केवल आकार से ही, उसकी आकार से ही हम उसको आस्वादित करते हैं देख करके। उसी के विषय में हम बहुत सारी कविताएं लिखते हैं और कुछ कहते हैं, बहुत बहुत कुछ कहते हैं। तो प्रतीक शब्द का मौलिक अर्थ जो रहा वो रहा मुख, लेकिन फिर ये क्रमशः उसमें धीरे धीरे
क्योंकि मुख जो था वो एक अंग के अर्थ में ही प्रयोग होने लगा, तो उस दृष्टि से ये मुख का वाचक जो अर्थ था ये शब्द अंग के लिए होने लगा। एक अंग जिसको ये मुख भी अंग ही है, तो अंगोपासना, इसके लिए अंगवती उपासना का जो उसमें प्रयोग करने लगे, तो उसको उन्होंने प्रतीकोपासना में बदल दिया। तो कहा कि ये प्रतीक के माध्यम, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हेलो ठीक है। हाँ, तो उसमें बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। हाँ जी, कोई नहीं। तो वो तो वो उसके अंदर दो दृष्टियों से हमें देखना चाहिए इस बात को कि हम लोग प्रतीकों को दो भागों में बांट करके देखते आए, जो हमारी प्राचीन परंपरा से ही उसमें देखते आए। एक तो ये है कि वो हमारा जो बाह्य जगत है, बाह्य जगत में मनुष्य का जो संपर्क होता है बाह्य जगत के साथ, तो वो बाह्य जगत को समझने के लिए भी उस प्रतीकों का वो प्रयोग करके उसको समझने का प्रयास करता है। और दूसरा उसका जो ज्ञान का विषय रहता है, एक है बाह्य जगत और दूसरा उसका जो ज्ञान का विषय रहता है वो उसका अहम का जगत रहता है। तो अहम के जगत को समझने में दार्शनिक लोगों ने भी उसमें प्रयोग किया, अहम को भी प्रतीक बना करके, अहंग्रह उपासना नाम से एक उपासना का अद्वैत वेदांत के अंदर चर्चा आती है कि उसमें अपने अहम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके ध्यान करने की प्रक्रिया जो है वो उसका नाम ही उन्होंने अहंग्रह उपासना करके रख दिया है। लेकिन बाह्य जगत में देखते हैं कि जब प्राय हमारा बाहर के जगत से संपर्क होता है, तो उसमें देखते हैं हम कि जो वैदिक संहिता काल है, उस संहिता काल के अंदर जब ये यज्ञ की संकल्पना का उदय हुआ, ऐसा नहीं कहा कि वेद का उदय कैसे हुआ, यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो किरण जगत् निर्ममी तमहं वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम, साईं अपना आरंभ यहाँ करते हैं, यस्य निश्वसितम वेदा। अब ये निश्वास को किसने देखा है, निश्वसितम वेद जो है संपूर्ण मंत्र जो है वो संपूर्ण मंत्र जो है वो जिसका निश्वसित है, जिसका निश्वास मात्र है। अब आप देखिए कि अभिव्यक्ति के अंदर जिन जिस प्रकार से हम आलंकारिकता को इसमें भी मिला रहे हैं, हम प्रतीकात्मकता के अंदर प्रतीक में वो बिंबों को, अलंकारों को, उनको भी अपने साथ बहुत जगह जोड़ लेता है, बहुत जगह अपने को स्वतंत्र भी कर लेता है। तो इसलिए वहां निश्वसितम वेदा जो वेदे व्योखिलन जगत में तमाम बंदे, जिसने ऐसे उसका निर्माण किया, अखिल जगत का निर्माण जो है, अब अखिल जगत का निर्माण एक प्लानिंग से किया वेदे भ्यो, क्योंकि वेद उसका एक प्लान है, एक प्लानिंग है, उसका एक दृष्टि है। अब ये सारा ही अज्ञात बाहर में जो हमारा सारे का सारा बाहर जगत के बारे में हम कितना जानते हैं, जगत का निर्माण किसी ने किया नहीं किया, ये आज भी लोग आपस में बहस करते रहते हैं। लेकिन यहाँ वो कम्युनिकेट करते हैं विद्या तीर्थम महेश्वरम, ऐसा जो विद्याओं का तीर्थ महेश्वर है, जिसने वेदों से, जिसके निश्वसित वेद थे और वेदों से ही उसने विश्व का निर्माण कर दिया, उसे उसका पूरा एक प्लानिंग उसका उसे बना के दे दिया कि ऐसे बनेगा और वैसे ही बना। तो वेद जो है उसके अंदर एक तरफ तो ये मंत्र का प्राधान्य रहा, ये वेद का आज भी हम मंत्र के प्राधान्य को देखते हुए हम समझते हैं कि मंत्र जो है वो प्रतीक हैं, वो देवताओं का, कभी कभी हम कहते हैं देव
ऐसा है कि देवता की आपने उपासना करनी है तो उसमें उपासना करने के लिए आप वहां पर सिर्फ उस देवता का नाम ही लिख लीजिए, तो देवता का नाम लिख लेने से वो नाम उसकी आकृति ही उसको मान लिया जाता है, उसी के ऊपर हम वो सारा पुष्पम पत्रम फलम तोयम जो कुछ भी उसमें है समर्पण कर देते हैं। तो मंत्र उसका स्वरूप है, लेकिन उसका एक हम दूसरा स्वरूप भी मानते हैं जिसको हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक शक्तियां बाहर फैली हुई हैं, ये समस्त प्राकृतिक शक्तियां जो हमारा सारे का सारा परिवेश है, सारी इकोलॉजी है हमारी, इस सारी इकोलॉजी को हम कैसे ग्रहण करते रहे, हमने उसको एक आदिदैविक शब्द कॉइन किया उसके लिए कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई एक अधिदेवता है, माने प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रतीक है और उसका अधिदेवता, जैसे ये नदियां हैं, सागर हैं, पर्वत हैं, आकाश है, वायु है, खासतौर पर वैदिक देववाद के अंदर तो चार देवताओं पर का बहुत प्राधान्य रहा, जिसमें से अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु और सूर्य, ये पांच देवों देवताओं का बड़ा उसमें प्राधान्य रहा है। इसलिए उस प्राधान्य में ये पांचों देवों को ये प्राकृतिक शक्तियों के जो उसमें प्रतीक रहे, प्राकृतिक शक्तियां जो हैं वो उन प्राकृतिक शक्तियों के लिए हमने जिन शब्दों के माध्यम से उनके स्वरूप का अनुसंधान किया, वो हमारे सामने अग्नि, अग्नि बहुत बड़ा एक प्रतीक है। प्रतीक मैं इसलिए कह रहा हूं, यही जो प्राकृतिक शक्तियां हैं हमारी जिनको हम बाहर में वो अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण इत्यादि के रूप में देख रहे हैं, उसी का ही हमने मनुष्य के अंदर दूसरे पक्ष में जाकर के ये कह दिया कि देखिए यही देवता जो है ये मनुष्य के अंदर उसकी इंद्रियों का, मन का और अमुक अमुक देह के अंगों का प्रतिनिधित्व भी यही करते हैं। तो ये देवता जो है ये हमारे मनोवैज्ञानिक प्रतीक भी बन रहे हैं और बाकी जो प्राकृतिक प्रतीक हैं, वायु देवता, अब जो वायु बह रही है हर वक्त बह रही है, वायु जो बह रही है, सूर्य जो है वो हर वक्त जो प्रकाशमान है, वो सभी के सभी जो है उनको प्राकृतिक शक्तियों के रूप में, प्राकृतिक प्रतीक के रूप में हम उनका, इनके पीछे एक महाशक्ति कोई है, एकम सर्वे प्रावधावरंति इंद्रम यमम मातरिष्म, ये सब के सब क्या है, एक प्रतीक है। और इनमें से मैं समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रतीक है वो सूर्य प्रतीक है। अग्नि एक प्रतीक है, आपने कहा अग्नि मिले पुरोहितम, मैं अग्नि को और उसी में मैं आहुति दे रहा हूँ, और ये सारी आहुति क्या है, आहुति को देने वाला जो आपका काष्ठ का स्वरूप है, जो शुभ है उस शुरू के लिए आप प्रयोग करते हैं ब्रह्महस्ता वही नमा, उसका नाम ब्रह्महस्त रख दिया आपने। अब वो लकड़ी का एक करछी है, लड़की लकड़ी का ही वो चम्मच है, लेकिन उसको आपने शब्द दिया ब्रह्महस्ता है वही नमा। नहीं, ये इस यज्ञ कर्म के अंदर, क्योंकि यज्ञ कर्म जो है ये ब्रह्म कर्म है, और इस ब्रह्म कर्म के अंदर जो वो प्रयोग होने वाले उसकी वेदी से लेकर के, वेदी के निर्माण से लेकर के यज्ञ की संपूर्ति तक के सब जो प्रतीक हैं, वो सब के सब एक विशेष अर्थ का बोधन कराते हैं। शब्दों से वो सारी संरचना नहीं हो सकती थी, लेकिन वो जो संरचना है उसके अंदर ये अमुक अमुक वृक्ष के पत्ते उसमें आएंगे, ये पत्र आएगा उसमें, जो क्षीरी वृक्ष हैं क्षीरी वृक्षों के पत्तों का ही प्रयोग होगा और किसी का नहीं प्रयोग होगा, संविधा के तौर पर अमुक काष्ठ ही प्रयोग होगा, अगर दूसरा काष्ठ नहीं प्रयोग होगा, चंदन का प्रयोग होगा और उसके अंदर अन्य अन्नों का प्रयोग नहीं होगा, आहुति के लिए देवान जो है, जौ को देवान कह दिया, तंडुल को देवान कह दिया, ये जो देवान है, तो ये सारे के सारे हम क्या करते हैं कि हमने अपनी सारी दिनचर्या को, अपनी सारी जीवन शैली को जब यागिक दिशा में
जब यज्ञ के संदर्भ में इंटरप्रेट कर लिया, क्योंकि सारी भारतीय जीवन प्रणाली को जो लोग वेद मार्ग अनुयायी रहे उन लोगों ने अपनी जीवन शैली को इसी रूप में अभिव्यक्त कर लिया, तो उसमें वो प्रतीकों के माध्यम से ही सारा कम्युनिकेशन, क्योंकि केवल मात्र बोलने मात्र से ही नहीं हो रहा था, वो जो भी आपकी प्रस्थापन की प्रक्रिया क्या है, कैसे करना है, कैसे रखा है, कैसे स्थापना की है, वस्त्रों की स्थापना, पुस्तकों की स्थापना, रहने का ढंग, ये सारे का सारा आपका एक सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है कि आप कैसे रहते हैं। आपकी एक चेष्टा से वो एक चेष्टा आपकी जो है वो प्रतीक बन जाता है। प्रतीक माने एक वो एक एक घटना, एक अक्षर से आप सबका ध्यान लेते हैं। तो प्रतीक जो है अंग से ही सर्वांग का आपको ज्ञान होने लगता है। इसलिए प्रतीकोपासना का यज्ञ के अंदर बड़ा महत्व रहा, क्योंकि यज्ञ जो था वो एक सामूहिक कर्म था। सामूहिक कर्म जो था, सामूहिक कर्म के अंदर सभी तरह के लोगों की, सभी तरह की संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व होना था। इसलिए उसके अंदर प्रयोग होने वाले जो पात्र थे, जो स्थान था, उसका निर्माण कैसे होगा, उसका अधिदेवत दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, उसके वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष का मंदिर का निर्माण कैसे होगा। मंदिर को कहने को तो हम मंदिर कह देते हैं कि वो भवन है, लेकिन उस भवन की संपूर्ण रचना जो है वो एक प्रकार का ये निर्माण जो उसका होता है, उसमें अमुक 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 स्थान का कोई प्रासाद निर्माण जो है ये अमुक चक्रों के आधार पर और इस तरह से उसमें जो लोग बनाते हैं वो उसके अंदर तत्त्व देवताओं को प्रतिष्ठित करते हुए ही उसका ध्यान रखते हुए उसका निर्माण करते हैं। ऐसे ही बौद्धों के स्तूपों का और दूसरे उसमें प्रतीकों का निर्माण होता है। तो ये प्रतीक जो है ये हमारा सारा जो व्यावहारिक पारस्परिक हमारा जो सांस्कृतिक बोध है वो बहुत सारा हमारे प्रतीकों के ऊपर ही आधारित होता है। हम अगर हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करने वाला वो एक प्रतीक, हाथ जोड़ने का प्रतीक नमस्ते शब्द महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जो आदमी नमस्ते का अर्थ नहीं समझता है बाहर का आदमी है, विदेशी है, लेकिन वो उसके आगे अगर आप हाथ जोड़ते हैं तो हाथों की जो मुद्रा है, आपके हाथ जोड़ने की जो मुद्रा है, ये इस बात का संकेत बन जाती है कि ये भारतीय है और ये इस परंपरा से संबंध रखने वाला व्यक्ति होगा। इसलिए प्रतीकों के माध्यम से हमारा जो ज्ञान होता है वो अन्य विधाओं से कई बार ज्ञान नहीं, प्राय ना के बराबर होता है। लेकिन ये शब्द जो हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमें ये देख लेना चाहिए कि क्योंकि ये अंगोपासना है, इसका हमने रखा कि प्रतीक जो है वो एक प्रकार का एक अंग है, एक पार्ट है, और उस एक जरा से अंश से ही हमें उसके बाकी सारे परिवेश का पता लग जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसका जहां वैदिक लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों के अंदर प्रतीकों के माध्यम से प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान करके उन प्राकृतिक शक्तियों का यज्ञ के अंदर आवाहन करके उसमें यज्ञ में किस प्रकार से अग्नि चयन हो, अग्नियों की तिथि कैसे बने, अग्नि कुंड कैसे बने, उसमें सुपर्ण तिथि बने। अब सुपर्ण तिथि सारे का सारा गरुड़ का पंखों की तरह ऐसा निर्माण हो उसका कि गरुड़ के पंखों की तरह गरुड़ जैसे एकदम उड़ने के लिए उद्यत है, इसी प्रकार से अग्नि जो है, अग्नि पुरुष जो है वो भी उसी प्रकार से उसके अंदर एक प्रकार से वो हमें उस अपूर्व की तरफ स्वर्ग की ओर जैसे ले जाने के लिए उद्यत है, जैसे जैसे हमारी चेतना का गातीकरण करने के लिए ही हर वक्त वो उद्यत है। उसमें कितनी ईंटें लगनी चाहिए, कैसी ईंटें लगनी चाहिए, इसका वैदिक कर्मकांड के अंदर एक एक ईंट, ये अमुक ईंट ऐसे बनती है, अमुक ये मौलिक ईंट जो है बीच में रहेगी, कुछ उसमें कुछ आषाढ़ा ईंटें रहेंगे, वो ईंटों का भी नाम है वहां पर, और वो सारे का सारा चयन जो है वो आम आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे एक सेंसिबिलिटी, एक बोध है, और प्रत्येक बोध प्रतीक जो होता है
प्रत्येक किसी न किसी सेंसिबिलिटी का, किसी बोध का वाहक होता है। वो भावनाओं का अपेक्षा विश्वास का प्रतीक जो है वो विश्वासों का और विचारों का, विश्वास पूर्वक उत्पन्न हुए विचारों का वो वहन करता है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रतीक संभवतः काम वहां नहीं करेगा, लेकिन जहां पर विश्वास है, आस्था मूलक है। कला के प्रतीक जो होते हैं वो भाव मूलक होते हैं, वो सेंटिमेंटल इमोशनल भावनाओं के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन ये जो यागिक प्रतीक आपके हैं ये उसमें लौकिक जगत के अंदर अलौकिकत्व को आवाहन करने के प्रतीक है। इसलिए इन प्रतीकों के द्वारा हम लौकिक के अंदर अलौकिकत्व का आवाहन करने का प्रयास करते हैं कि ये समस्त देवता जो है मैं उनका आवाहन करता हूँ। और हर प्रत्येक जगह जब आप करते हैं आवाहन करते हैं तो उसमें चाहे वो उसमें देव पूजा है या पितृ पूजन है, आवाहन उसका एक बड़ा प्रधान अंग रहता है। तो वो आवाहन के अंदर जब आप करते हैं तो वो आवाहन करने के लिए वो आपका सिर्फ शब्द मात्र पर्याप्त नहीं है, शब्द के साथ उसमें कुछ प्रतीक चलेंगे। पूजन के लिए उपचार के लिए कुछ वो प्रतीक चलेंगे कि उन इन्हीं इन्हीं प्रतीकों से होगा। ये शिव के उपासना में बिल्व पत्र का ही प्रयोग होगा, ऐसे नहीं है कि आप उसमें दूसरा कोई भी आप किसी और पत्र का प्रयोग जैसे चाहे वैसा कर दें, ऐसा नहीं रहेगा उसके अंदर। अब बिल्व पत्र क्या है, क्योंकि बिल्व पत्र में तीनों पत्र जो है एक साथ लगे होते हैं, तो ये कहा जाता है कि ऐसा ये खंडित बिल्व पत्र नहीं होना चाहिए। शिव की जब उपासना हो तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए इस प्रकार का। और वैष्णवी उपासना के अंदर ये तुलसी का और या उसमें कदम्ब का, कदम्ब और तुलसी का ही होना चाहिए। तो वृक्षों में प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो पदार्थ हैं उनको भी हमने प्रतीक के रूप में उसमें प्रयोग करने की प्रक्रिया यज्ञों के अंदर प्रारंभ की। यज्ञ वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि का, जो लोग ये जानते हैं कि जिन्होंने पुरुष सूक्त का पाठ जो लोग करते हैं उसके अंदर बार बार ये आता है कि सृष्टि रचना की प्रक्रिया में यज्ञ यज्ञ मजयंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमा न्यासन। ये यज्ञ से ही उस समय जब देवताओं ने सबसे पहले यज्ञ यज्ञ मजयंत देवा, यज्ञ से ही उन्होंने यज्ञ की सामग्री से यज्ञ से ही यज्ञ का उत्पादन किया। तो ये उसमें मानुष यज्ञ और देवती यज्ञ, वो मनुष्य लोग जो है तुम्हें आवाहन तुम्हें आहुतियां दें और ते देवा भावे अंतवा, वो देवता जो है वो तुम्हारा भावन करें, वो भी ऊपर से वो वर्षा के द्वारा। ये वर्षा जो है वो भी एक प्रकार का, ये वर्षण जो है वो भी यज्ञ ही है। और ये पृथ्वी के अंदर सारी सृष्टि के अंदर एक यज्ञ ही चल रहा था। तो यज्ञ को एक विज्ञान के रूप में हम लोगों ने जब ग्रहण किया, लेकिन वो विज्ञान केवल मात्र भौतिक विज्ञान उसको हमने स्वीकार नहीं किया। हमने कहा कि यज्ञ हमारे तीनों स्तर पर चल रहा है, हमारे बाह्य स्तर पर भी, सोशल लेवल के ऊपर भी, शरीर के स्तर पर भी यज्ञ ही चल रहा है, मानसिक स्तर पर भी यज्ञ ही चल रहा है, और हमारे आध्यात्मिक स्तर पर भी, हमारी चेतना के स्तर पर भी यज्ञ ही चल रहा है। वो यज्ञ पुरुष जो है वही काम कर रहा है। इसलिए वहां पर बाह्य प्रतीकों को जो हमने प्रयोग किया है तो उसमें यज्ञ पुरुष की कल्पना की कि यज्ञ जो है वो सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष सहस्रपद। अब ये सहस्राक्ष कहने के पीछे वो उसके सहस्र चक्र क्या है, सहस्रपाद, वो सारी एक हम शब्दों के माध्यम से हम एक प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि उन प्रतीकों के बिना कई बार लगता है कि मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं लेकिन मैं उसमें सशक्त नहीं हो पा रहा हूं।
ये कहा जाता है कि वो जो ऋषि लोग थे वो तपश्चर्या से निरंतर तपश्चर्या में रहते होने के कारण अत्यंत ही चेतना की उनका चैतन्य निर्मल होने के कारण उन लोगों ने अपने विजन से जो अनंत था उस अनंत को उन्होंने रेखाओं में बिंदु में चतुरस्र में मंडल में वलय के अंदर उन्होंने रेखाओं के इस तरह से उन्होंने अंकित किया, उन्होंने उसको समेटा, उसको ग्रहण करने योग्य बनाया। अब वो ग्रहण करने योग्य जो बनाया वो रेखा मंडल चित्र जो कुछ भी है वो यंत्रों के माध्यम से हम उनका उद्घाटन करना चाहते हैं, हम निर्माण नहीं करना चाहते नया यंत्र कोई। उन लोगों ने यंत्रों का निर्माण किया उस अनंत के विस्तार के ऊपर, उस अनंत के विस्तार को एक ऐसा ऐसी समझने उसे ग्रहण करने योग्य उसको बनाया कि नहीं अनंत जो है वो अनंत अपने विस्तार में भले बहुत वो महत्वपूर्ण है लेकिन वो हमारे भी समीप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म जब हम कहते हैं उसमें तो दो ही परिधियां हैं हमारे उसमें आर्ष दृष्टि की, दो ही परिधियां हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि मैं भी ब्रह्म ही हूं। लेकिन इस बात को अनुभव करने के लिए हमें उपासनाओं का प्रयोग करना पड़ा, यज्ञ के साथ जुड़ी हुई जो उपासनाएं थी वो कर्मांगत्वेन वो कर्म का ही अंग थी उपासनाएं जो थी। इन उपासनाओं के अंदर वो हमने प्रत्येक उपासना में ये हमने गायत्री उपासना हो या दूसरी उपासनाएं हो तो उसमें एक परफेक्शन का, अब ये समझे कि ये मुद्राओं वगैरह का रेखाओं का जो कुछ भी है अब देखिए इसके अंदर इम्परफेक्ट नहीं हो सकता कुछ भी। ये सभी मुद्राएं जो हैं ये अपने एक परफेक्ट फॉर्म के अंदर एक जैसे सम्यक, बुद्ध ने सम्यक शब्द का प्रयोग सब जगह किया, वो जो सम्यंच है सम्यक है वो सम्यक सम्यक जो है वो उन रेखाओं के अंदर श्री यंत्र को जब आप देखेंगे तो श्री यंत्र से कहते हैं कि इतना जटिल और इतना सुंदर कोई दूसरा यंत्र नहीं है विश्व के अंदर। और यंत्रों में सबसे सरल यंत्र जो शिवत्व का प्रतीक है वो शिवलिंग है। शिवलिंग में भी आप देखें कि भगवान शिव का नर्मदेश्वर के रूप में जब हम उपासना करते हैं, नर्मदेश्वर शिव की जब उपासना करते हैं नर्मदेश्वर क्या है कि नर्मदा में प्राप्त होने वाले वो शिवलिंग जो है, इतने अच्छे अच्छे सुंदर शिवलिंग देखे हैं मैंने जिनको देखते ही आपके एक वृत्ति निर्माण होता है। वो शिवलिंग क्या है उसको हम हालांकि संकेत वहां यही होता है कि मूर्ति में उसमें पाषाण बुद्धि नहीं करनी चाहिए और वो प्रतिमा शिलामतिम प्रतिमा में शिलामति नहीं है, हम उसको नर्मदा उसको नर्मदेश्वर ही कहते हैं। तो वो नर्मदेश्वर लेकिन एक छोटा सा शिवलिंग जो बड़ा ही सरल प्रतीक है वो शिव और शक्ति तत्व दोनों का सबसे सरल प्रतीक अगर है तो वो ये शिवलिंग है। और सबसे जटिल शिव शक्ति का प्रतीक है तो वो श्री यंत्र है जो सर्वाधिक जटिल है। इसलिए श्री विद्या के जो आचार्य लोग हैं वो जीवन भर उसकी उपासना में लगे रहते हैं और वो एक एक उसमें जो यंत्र का एक कोण है बिंदु बिंदु है बिंदु त्रिकोण बस कोण दगार युगुण वो उसकी उपासना में लगे रहने वाले एक एक चक्र एक एक शक्ति का सिंबल प्रतीक कैसे बनता है। तो यंत्र मंत्र भी प्रतीक बनते हैं, यंत्र भी प्रतीक बनते हैं और जो हमारी मुद्राएं हैं मुद्राएं इस दृष्टि से प्रतीक बनती हैं कि मुद्रा से आपका सरल तरीके से समझना हो कुछ लोगों को तो उसमें आप देखें कि आपके अगर चेहरे की मुद्रा ठीक है मिलने वाला जब आपसे मिलने आएगा
तो एक आनंद का संचार हो रहा है, क्या उसको मिलना, उसको देखना यार बहुत अच्छा लगता है। उसका दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गए, दर्शन मात्र ही नहीं कृतार्थ था वह, हम तो दर्शन देख नहीं सकते, लेकिन उसके चेहरे पर बुझापन हो, अब मुद्रित हो, वैसे बिल्कुल डिप्रेस सा हो उतरा हुआ, तो हमें लगता है कि नहीं बहुत गलती हो गई कि हम लोग क्यों आए यहाँ। देवता के सम्मुख जब आपने जाना है तो एक विद सेंस ऑफ परफेक्शन, एक उसके अंदर सम्यक्त के बोध से जाना है, तो सर्वांगीण आपके समस्त अंगों के अंदर एक अनुशासन, जैसे हम कहते हैं कि आपने एक उसके अंदर एनसीसी में भी जाते हैं तो उसमें तो सबसे पहले बात ये होती है कि अंगों का डिसिप्लिन, ये प्रत्येक अंग जो है तुम्हारा देवताओं के लिए, वो जब हम उपासना क्रम में जाते हैं तो उस प्रतीक के माध्यम से भी, हर एक आदमी डांसर नहीं होता, हर एक कलाविद नहीं होता, हर एक व्यक्ति को कोई आचार्य नहीं मिलता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की मुद्रा जो है वो ठीक हो नहीं पाती है, हर एक आदमी मुद्राओं का प्रदर्शन भी नहीं कर पाता है, तो जो करता है वो धीरे धीरे उसको जब तक सम्यक्त में ना लाए तो उसे वो ये कहते हैं कि अगर मुद्रा जो है वो छिद्रित हो गई और इस तरह से ठीक नहीं है तो उसे देवता रुष्ट हो सकता है। ये देवता कौन सा देवता है जो रुष्ट हो सकता है? ये आपका अपना चैतन्य ही देवता है या वो मूर्ति में प्रतिष्ठित देवता है, कौन उसमें से रुष्ट हो रहा है? दोनों ही रुष्ट हो रहे हैं। इसलिए बोधदा मुद्रा, मुद्रा का एक अभिव्यक्ति प्रकार जो है, हमारी मुद्रा है, हम इस तरह से अंगों का चालन करते हैं, जब अभिव्यक्ति होती है तो उस अभिव्यक्ति के अंदर हम अतिरिक्त चालन तो नहीं कर रहे हैं या अनतिरिक्त चालन कर रहे हैं या अतिरिक्त चालन कर रहे हैं, दोनों ही उसमें लाभ हानि करते हैं उसके अंदर। ये उन उन कलाओं के अंदर, जिन कलाओं में आचार्य लोग भी ट्रेनिंग देते हैं अपने विद्यार्थियों को, अपने उसको छात्रों को, तो वो उसमें मारते हैं पीटते हैं कि नहीं ये तुम्हें मैंने ऐसे कहा था कि हाथों को इस ढंग से ये मुद्रा बननी है, और ये तुमने जो बनाया ये क्या बना दिया तुमने, कि कोई सारा वो नष्ट कर दिया सारे का सारा उसका। तो इसलिए ये सारी की सारी जितनी आपकी देखिए यंत्रों में, और ये मुद्रा है, मुद्रा में क्योंकि आपका जो शरीर है उसी का अध्यात्मीकरण हो रहा है उपासना के अंदर, वो अगर यज्ञ का एक हिस्सा आपका जीवन बन गया है, आपका जीवन ही अगर यज्ञ रूप में परिणत हो गया है, यज्ञ रूप में परिणत होने का मतलब ये है जीवन का तिरस्कार नहीं है उसके अंदर, जीवन का उसमें जीवन को पुरस्कृत किया जा रहा है, और पुरस्कृत करने के लिए उसके अंदर एक सिद्धि होना बहुत आवश्यक है, और ये जो सिद्धि है ये जो है ये उन प्रतीकों के माध्यम से हम उस सिद्धि को बढ़ते हैं। प्रतीक हमारी कैसे सहायता करते हैं उसके अंदर, इन यंत्रों में आप देखिए कि रेखाओं में इस प्रकार की एक्यूरेसी है, और प्रत्येक वो जो यंत्र है वो कुछ न कुछ एक प्रत्येक प्रतीक जो है वो एक विशेष विचार को, एक विशेष आपके एक विचार को वो उसका वो उदात्तीकरण कर रहा है उसके अंदर। इसलिए वहां पर चाहे वो हो, अब थोड़ा वेदांत के विषय में चर्चा कर लें तो उसमें, अब देखिए उसमें मुंडक में शायद आया, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्भय माया नास्त कृतक कृतेन, और उसमें वो जो ब्राह्मण है परीक्ष लोकान कर्म चितान, अब यहाँ चितान शब्द का प्रयोग उसमें है कर्म से जिनका चयन किया गया है, कर्म चितान लोकान परीक्ष, कर्म के द्वारा एक एक, जैसे ये चिति शब्द का अर्थ क्या है कि जैसे हम एक एक ईंट को जब परफेक्टली लगाते जाते हैं तो दीवार बनती है, तो दीवार वाला जो है मिस्त्री जो है वो ऊपर से वो लटका करके देख लेता है कि
दीवार टेढ़ी तो नहीं हो गई है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर जो कर्म है, हमारे कर्मों का चयन जो है वो भी उसी प्रकार से, अगर वो इम्परफेक्ट है तो उसका परिणाम दूसरा होगा। तो इसलिए उसकी परीक्षा, परीक्ष लोकान कर्म चितान, वो कर्म के द्वारा चित जो लोग हैं उनकी परीक्षा करके निर्वेद मायात, वो एक निर्वेद का अर्थ प्राय शब्दों का वो वैराग्य अर्थ हो गया, संन्यास मूलक हो गया, उसमें तटस्थता का बोध वैराग्य की अपेक्षा अगर उसका तटस्थ एक जिसे हम कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि जो है, एक प्रज्ञा मूलक तर्क जो है वो हमारे पास होना चाहिए। निर्वेद माया नास्त्य कृतक कृत्य, क्योंकि जो जो अकृत है वो कृत कर्मों के द्वारा ऐसे प्राप्त नहीं होता है। तो नहीं होता है फिर क्या करे, ये जो अकृत ब्रह्म जो है, चेतना जो है वो कृत नहीं है, वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है। मनुष्य का जो चैतन्य है वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, वो स्वयंभू है। इसलिए वो उसको वो कृत कर्मों से उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आगे वो कहता है तो उसको प्राप्त, उसको देखने के लिए वो समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, आज में कुछ थोड़ी सी संविधाएं लेकर के गुरु के पास जाता है। श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्य भी हो, जो सीवेंट भी है और सेंट भी है, सीवेंट एंड दी सेंट, ऐसे गुरु के पास वो जाए। तो इसलिए वहां पर अब ये समित पाणी, ये संविधाओं को लेकर के जाए, संविधाओं का क्या करना है वहां पर। तो वेदांत के आचार्यों से उच्चत वो कहते हैं कि और संविधाएं भी उसका तीन संविधाएं लेकर के जाता है, या तीन कुछ संविधा लेकर के जाता है। तो वो कहते हैं कि संविधा जो है उसका अभिप्राय है कि मैं अब पूरी तरह से आपके प्रतीक का प्रयोग किस ढंग से कर रहे हैं कि वो लकड़ियां जो है, संविधा जो है समित पाणी के लिए क्या है, तमेवार्थम गुरु मेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो वो समित पाणी, तो वो कहते हैं कि संविधाएं इसका है कि इनमें सम्यक रूप से ईंधन जलने की सामर्थ्य है, मेरी जो चेतना है ये भी इसमें जलने की सामर्थ्य है। वो उसकी अपनी हाथ में समित पाणी क्यों है, समित पाणी इसलिए है कि मैं उन समस्त वासनाओं से परे हट करके आपके पास आया हूं, आप मुझे उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करें जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अकृत है, जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, जो कृत जो होता है कर्म वो आर्टिफिशियल है, ये अकृत है, ये स्वयंभू है। इसलिए उस चैतन्य का साक्षात्कार करने के लिए मैं बिल्कुल इन संविधाओं की तरह है, भीतर से बिल्कुल अग्नि को ग्रहण करने की जिनमें एकदम सामर्थ्य है कि बीच में डाला और ये गीली लकड़ी हो तो वो नहीं जलेगी, धुंधला धुआं छोड़ेगी वो उसमें से। तो समित प्राणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम का वो समित जो है, इसके माध्यम से वो बात शब्दों से नहीं कह रहा है, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास समित पाणी होकर के जा रहा है। तो ये संविधा क्या है, संविधा ये यज्ञाग्नि का सिंबल, एक प्रतीक है कि उसमें संविधा का प्रयोग इस प्रकार के काष्ठ का ही प्रयोग होना चाहिए। और फिर उसमें अग्नि जो है वो सिर्फ आग नहीं है, वो तो देवता है, अब देवत्व देने के लिए उसमें अग्नि की जो सप्त जिह्वाएं हैं वो सात जिह्वाएं जो है, और प्रत्येक जिह्वा में उसके ये यदा लेला है कई झट की जाए उसमें वो लपट निकलती है, तो कौन सी लपट में कौन सी आहुति किस लपट में देनी है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो वो यज्ञ के अंदर उसका जो वेदी का निर्माण है, वेदी निर्माण का यज्ञ कुंड का निर्माण है, उसके अंदर लगने वाली ईंटों का निर्माण है, उसके इर्द गिर्द पात्रों का जो अवस्थापन है, ये इसके अंदर जो ये महा वो जो बड़ा पात्र है वो कहाँ पर स्थापित होगा और दूसरा कहाँ पर, उसका कोना भी निश्चित है
उसके द्वारा, लेकिन वो सब कहने से नहीं है, वो क्रिया से संबंध, वो हमारे प्रतीक है सारे के सारे। ये यहाँ पर ये उदक का कुंभ जो है ये कहाँ स्थापित होगा, उदक कुंभ वहां स्थापित होगा, उदक कुंभ के अंदर कौन से पत्ते होंगे, किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं होंगे उसके अंदर, सभी पेड़ों के पत्ते नहीं हो सकते, अमुक अमुक वृक्ष के पत्ते ही उसमें होने चाहिए, क्योंकि वो अमुक अमुक पत्ते इस फलवत्ता के बोधक हैं, तो फलवत्ता के बोधक जो पत्र हैं उन्हीं को उसके अंदर रखा जाए। इसलिए सारी जो जागृत प्रणाली थी हमारी, ये अब ये चलती है, इसका हम दूसरी तरफ से चलते हैं कि प्रतीक विद्या जो हमारी, जो बाह्य प्रतीकों का प्रयोग कर रहे थे हम यज्ञ के अंदर, क्योंकि उसके अंदर यज्ञ के अंदर हमारी सामाजिकता भी थी और सब चीजें थी, पूरा जीवन का व्यवहार यज्ञ निश्चित करता है। इसलिए यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुति डालना ही नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ, जब यज्ञ, अमुक यज्ञ, अमुक यज्ञ, गीता के अंदर भी यज्ञों की वो स्वरूप, और वैसे यज्ञों का तो स्वरूप आप देखेंगे तो बहुत विस्तृत है। यज्ञ जो है वो पूरा जीवन ही है, उसको यज्ञ को केवल मात्र हमने छोटा सा केंद्र बना के रख लिया। लेकिन ये जो एक समष्टि या बाह्य निर्माण में था, जब भीतर की तरफ हम चलने लगे तो वहां पर ये प्रश्न फिर आया वेदांत के अंदर कि क्या प्रतीक के द्वारा ये ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। प्रतीक उपासना, ब्रह्म की उपासना जो है, ब्रह्म तो निर्गुण है, वो निर्गुण है तो उसको नहीं रस प्रतीक करके सूत्र है उसमें चौथे पाद में कहीं, चतुर्थ पाद में है, जो यहाँ जो कहते हैं कि वो ऊपर चला कि ये जो है क्या, ये सूर्य चंद्र इत्यादि जो है इनका, इन प्रतीकों में सूर्य को ही हम ब्रह्म समझ के चले, वायु को ब्रह्म समझ के चले, ये जो, तो ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण है, तो निर्गुण जो है क्या उसको निर्गुण उपासना के अंदर ये उपासनाएं उपयोगी किसी तरह से हो सकती हैं, जब प्रतीक उपासनाएं जो है, तो इसलिए वहां पर वो कहते हैं कि नहीं, उसमें प्रतीकोपासना के माध्यम से हम ब्रह्मोपासना में जा ही सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन वहां पर प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि नहीं रखनी है, सॉरी, प्रतीक जो है वो उसका वो एक उत्कर्ष दृष्टि जो है, उसका जो है प्रतीक से हम उत्कृष्ट की ओर जाने का जो एक निचले स्तर की वस्तु है उसको उत्कर्ष की तरफ ले जाने का, उसके अंदर हम प्रतीक के अंदर ब्रह्म को देखने का प्रयास करें। संध्येति सूर्यगम ब्रह्म, संध्या शब्द का अर्थ सांझ ही नहीं है, सिर्फ दो समय का संध्या नहीं है, संध्येति सूर्यगम ब्रह्म, सूर्य के अंदर सूर्यांतरवर्ती जो चैतन्य है, पुरुष है, उसको कहा, तो सूर्य जो है वो प्रतीक किसका बन गया, वो सूर्य में ब्रह्म का बन गया, तो स्पिरिट ऑफ कॉन्शियस, सन ऑफ स्पिरिट। तो वो कहता है कि प्रतीक में वो जो है प्रतीक को ब्रह्म के साथ एकीकृत करके देखे, तो ब्रह्म को प्रतीक मान करके न देखे, प्रतीक को प्रतीक के अंदर ब्रह्मोपासना ब्रह्म के साथ लगा करके उसको देखे, तो उसके अंदर भी प्रतीकोपासना उपनिषदों के अंदर बहुत सारी प्रतीकोपासनाओं का निरूपण है, जिनकी चर्चा की जा सकती है, और लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है कि तंत्र में आगमों के अंदर भी ये प्रतीक जो है ये एक ऐसी विद्या है, एक विशेष, कि हम जहाँ पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बोल करके हमें लगता है कि यहाँ ये वाणी का विषय नहीं है, तो ये वाणी का जो विषय नहीं है ये उसमें प्रतीक के माध्यम से प्रतीक उसका उद्घाटन कर देता है, केवल मात्र हमने वहां पर एक पत्र रख दिया है, क्या नेगेटिव प्रयोग उसका, तो उसने वहां पर देखा
उसके लिए कार्ड रखा हुआ था, एड्रेस डाला हुआ है, लेकिन ऊपर उसके कोई एक अक्षर नहीं लिखा हुआ है। अब ये जो कार्ड है इस मार्ग का प्रतीक है, ये आपकी नाराजगी का प्रतीक है। आपने उसे बुरा भला नहीं कहना है, आपने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका बड़ा ही उसके अंदर वो है, आक्रोश है मन के अंदर। आपने वहां पर एक वो पत्र जिसके ऊपर एड्रेस उसका पड़ा हुआ है, लेकिन बीच में एक अक्षर नहीं उसके लिए लिखा है। इसने इतना कुछ अभिहित कर दिया, एक जरा सी रेखा ने ऐसा अभिहित कर दिया कि जो संवेदनशील व्यक्ति है वो समझ सकता है कि इस व्यक्ति को कितनी पीड़ा हुई होगी, कुछ ऐसे मेरे व्यवहार के कारण ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए प्रतीक जो है बेसिकली उनको हम लोग अंगोपासना के रूप में ही यज्ञ में और उपासना पद्धतियों में धार्मिक प्रतीकों में, हमने आज कलात्मक प्रतीकों की भी चर्चा नहीं की है और सामाजिक प्रतीकों की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल मात्र यागिक प्रतीकों की चर्चा थोड़ी सी की है और कुछ धार्मिक प्रतीकों की चर्चा की है। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से जो मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण होता है कि प्रत्येक देवता के हाथ में अब शस्त्र पकड़ा दिए जाते हैं, और शस्त्र पकड़ाने का क्या मतलब है कि उसके अंदर उन शस्त्रों से क्या होगा, और उसके अंदर देवी के हाथ में खड़ग है, खड़गम चक्र कदेशु चाप परिघाम झूलम भूषण, इतने हथियार पकड़ा दिए हैं, दंडम शक्ति मशीन चरम जलजम घंटाम सुरा भाजनम। अब वो सारे के सारे शस्त्र, ये शायद शब्दों के माध्यम से हम जो बात नहीं कह पा रहे थे वो हमने इस मूर्ति में एक अलग दृष्टि से हमने वो शूलम पाश सुदर्शन, ये पाश क्या है, पाश को गुरु समझाता है कि राग पाश है, ये जो मनुष्य के भीतर की जो है ना अटैचमेंट्स हैं, आसक्तियां हैं, अंध आसक्तियां जो है, ये राग ही पाश, और ये उसके नियंत्रण में, देवता के नियंत्रण में है, राग पाश है। द्वेषो अंकुश, ये द्वेष अंकुश जो हाथ में पकड़ा हुआ है, गणपति जी हाथ में अंकुश है, हाथी के माथे में अंकुश मारा जाता है, लेकिन ये अंकुश मारने पर मारने के लिए नहीं, ये अंकुश एक प्रतीक है हमारा। तो इस तरह से मूर्तियों में उनके प्रतीकों की व्याख्या, ये भिन्न उसमें वक्तव्यों के माध्यम से इनके ऊपर चर्चा बहुत विस्तृत हो सकती है, और इनका एक वर्गीकरण करके एक किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज इतनी ही चर्चा करके हम अगर किसी को कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। आपने जितने विस्तार से ये चीज सारा विस्तार से वर्णन विचार का किया है, प्रतीक के पीछे की पृष्ठभूमि स्पष्ट की है और प्रतीक के स्वरूप को स्पष्ट किया है, ये मेरे भी ध्यान में नहीं था। हालांकि प्रयोग तो कर रहे थे कि यागिक प्रतीक और कला के प्रतीक, इनमें मूलभूत अंतर, इस ओर ध्यान नहीं गया था, लेकिन उससे आपके इस दिशा निर्देशों से ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आई है कि किस तरह से सृष्टि संबंधी प्रतीक और भाव प्रतीकों में आगे चल करके किस तरह से वो बदले और किस रूप में वो प्रकट हुए हैं, उनके ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक आपने हमें जो बताया है वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है, और उसने हमारे दृष्टि को विकसित भी किया है और विचार का और अधिक उसने अग्रसरता लाई है। लेकिन इससे पूर्व मैं कुछ प्रश्न आमंत्रित करूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर वीना अग्रवाल जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर संजीव घारू जी जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीच में हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र बांगुरु जी जो डायरेक्टर थे, कल जिनका मुख्य वक्तव्य भी था और जिन्होंने प्रिजाइड ओवर भी किया था,
रीजनल सेंटर नॉर्थ में जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली से, वो भी बीच में जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू में शायद 2G की जो प्रॉब्लम है उस वजह से वो संपर्क अभी टूटा हुआ है उनसे तो। और साथ में डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी जो प्रिंसिपल हैं डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर से, और अन्य सभी साथी और जिनसे मेरा परिचय नहीं है, उन सभी का स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा या कोई भी आपकी अपनी बात है वो आप लोग साझी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद बाकी बात। प्रतिभागियों में से किसी की भी, मुझे भी अभी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा रह गया है जो अभी हमें और अभी अधिक जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी कला की मुद्राएं हैं उनमें से एक एक के अर्थ क्या हैं उसके ऊपर भी चर्चा है, ये वर्णों के ऊपर अभी चर्चा रह गई है, और जब हम धीरे धीरे इन विषयों को एक्सप्लोर करने लगेंगे तो देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और केंद्र में जैसे कि है वो यज्ञ ही जो है वो ही है सृष्टि की, ये बात हमें दिखाई देने लगेगी धीरे धीरे। तो ये संस्कृति जो है, जैसे कल भी ये बात आई थी कि सारी की सारी कृषि आधारित संस्कृति है और उसी के आधार पे कृषि आधारित ही ये सारे प्रतीक हैं, तो इस दृष्टि से इनका इनको समझा जाना चाहिए और इनके सौंदर्य को समझा विश्लेषित किया जाना चाहिए और दर्शन को। तो वो अभी कई पक्ष रहते हैं, लेकिन वो निश्चित ही एक विषय में एक बार में तो सारे कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन लगता है कि फिर समय रहते हम इसके ऊपर और अधिक चर्चा अग्रसर करेंगे। तो यदि किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई बात कहना चाहता है तो कहेंगे, फिर हम सूचना दे दो एक सूचनाएं दे करके मैं धन्यवाद के लिए जो है वो डॉक्टर संजीव जी को आमंत्रित करूंगा। यदि किसी का कोई प्रश्न सर, मैं डॉक्टर रोहतास जी, रोहतास जी बताइए सर। मैं 11/1/2014 को सोहनलाल डीएवी कॉलेज में आज के मुख्य वक्ता के मैंने चरण स्पर्श किए थे, आज मैं वाणी मात्र से उनकी चरण वंदना करना चाहता हूँ। जी जी जी, वहाँ राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्र का अभाव हुआ था, वहाँ गुरु जी के दर्शन हुए थे, लेकिन आज का जो तो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जो सर ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हाथ जोड़ना एक प्रतीक है, शब्द नमस्ते एक अलग चीज है, विदेशी इस तरह से भारतीय परंपरा को प्रतीक के माध्यम से समझ पाता है, बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आई। लेकिन जो इस स्लाइड पे तीन चीज दी हुई है, यंत्र तंत्र और मंत्र, मैं गुरु जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में सारे व्याख्यान सुनते सुनते ये बात घर कर रही है कि यंत्र एक व्यक्ति है, तंत्र एक व्यवस्था है, मंत्र शाश्वत सत्य रूप जीवन शैली है। क्या मैं ये ठीक समझ पा रहा हूँ या मैं गलत दिशा की ओर मतलब मेरी बुद्धि अग्रसर हो रही है सर, ये मैं थोड़ा सा स्पष्ट करो। ये इनका कहना था कि ये जो तंत्र मंत्र और यंत्र हैं, ये इनका स्वरूप क्या एक तरह का इस अर्थ में है कि ये व्यवस्था, या रोहतास जी आप ही अपना प्रश्न दोबारा से स्पष्ट कर लें, क्योंकि मैं इधर से बोलूंगा और उधर माइक ऑन करूंगा वो डिस्टरबेंस आएगी, और उसके साथ ही एक प्रश्न और भी है वो भी हम ले लेंगे। रोहतास जी एक बार पुनः अपना प्रश्न जो है वो स्पष्ट करें। सॉरी, तंत्र एक व्यवस्था, यंत्र एक व्यक्ति, मंत्र शाश्वत सत्य रूपी जीवन शैली है क्या? मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि जैसे यंत्र आजकल एक व्यक्ति हो चुका, तंत्र व्यवस्थाएं, मंत्र शाश्वत जीवन शैली के रूप में जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या वो ठीक समझ पा रहा हूँ गुरुदेव, ये मुझे बताइए बस।
जो व्यवहारिक रूप बनता है वो यंत्र बनता है, और यंत्र में उसका यंत्र का कोई ना कोई देवता होता है जो मंत्र स्वरूप है। यंत्र के अंदर भी हम मंत्रों को ही उसमें, मंत्र के अक्षरों को ही उसके बीच में लिखते हैं, यंत्र बना करके, नहीं तो फोका यंत्र जो है उसकी पूजा नहीं होती। यंत्र के अंदर बीच में हम उसे ओम क्लीन क्लीन कुछ ना कुछ लिखेंगे उसके बीच में। तो मंत्र जो है ये तंत्र में यंत्र है और यंत्र में ही मंत्र है, तो मंत्र में उसका देवता है। जी स्पष्ट जी, एक पूछना चाह रही हैं डॉक्टर धनु वीरा मैडम, आप पूछिए। डॉक्टर प्रश्न से ज्यादा मुझे प्रश्न का समाधान मिला है वो मैं बताना चाहती हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है हाँ। वो मुझे कई बार लगता था कि इस देवता के लिए यही, जैसे शिव जी के लिए बिल्व पत्र ही चढ़ाए जाएंगे या निश्चित है, तुलसी दल विष्णु के लिए निश्चित है, तो इन सब चीजों के प्रति ऐसा लगता था कभी कि अगर कुछ इधर उधर हो तो क्या है। तो सर ने जवाब दिया कि अटूट विश्वास ही इसमें चीज है और शायद परंपरा भी एक कारण है। तो मैं जानना चाहती थी कि मतलब जैसे आज तर्क शक्ति से जब हम सोचते हैं तो कई चीजें हमें गले नहीं उतरती, तो क्या इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर देना चाहिए, तर्क को और विश्वास को, या नहीं? ऐसा है कि वैसे एक सामान्य दृष्टि से जब हम कह देते हैं ना कि उपासना के बाद स्तोत्र पढ़ते हैं हम लोग, देखिए अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, वो यन्यूनम् अधिकं कृतं से न्यून कर दिया या कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, वो अब उन सब की पूर्ति कर लेना। ये देवता के आगे हम उपासना इसीलिए करते हैं कि अगर कहीं कोई उसमें हमारे से, लेकिन जो उसमें क्योंकि प्रतीक जो है वो प्रतीक, क्योंकि उसने अपना एक अर्थ देना है। आप ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्व पत्र अगर आपने विष्णु पर चढ़ा दिया तो कोई मिलावट आ जाएगी, लेकिन उसका जो एक निश्चित, जो जिसे हम कहते हैं कि विज्ञान में जो बात कही जाती है वो एक श्रद्धा की बात है, वो ठीक है, उसमें कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें जो उसका विहित है कि उस देवता का स्वरूप, देवता के साथ जो सामग्री प्रचलित है वो सारे प्रतीक हैं उसके साथ जुड़े हुए। अब त्रिशूल को आप शिव के हाथ में पकड़ा देंगी तो वो त्रिशूल शिव के हाथ में पकड़ा हुआ शिव तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो भवति योजयितुर वचनीयता, संस्कृत में वो कहते हैं कि न च विरोति न चापि न शोभते, मणि जो है किसी ने अगर उसको मणि दी और उसने पैर में बांध ली तो वो कहते हैं कि मणि की तो कोई लोग मणि को दोष नहीं देते हैं, लोग जो है वो कहेंगे यही भवे जो तुर वचनीय था कि ये पाँव में कैसे फिक्स कर दिया, ये मणि तो सिर में धारण करने वाली थी। तो उस दृष्टि से कोई वो देवी के हाथ में हम उसमें, क्योंकि शिवा उसका नाम है इसलिए उसके हाथ में हमें त्रिशूल दे देते हैं, लेकिन दूसरे देवताओं के हाथ में वो विशेष रूप से, जैसे वृषभ है, नंदी है, प्रतीक है, तो नंदी को व्याख्यात किया है कि शिव जो है वो नंदी का विष्णु ही भगवान धर्मा, जिस जो नंदी बैल सांड नहीं बट सिर्फ मेरा सांड ही नहीं है, ये सांड तो है ही है लेकिन ये धर्म का प्रतिनिधि है, ये धर्म का प्रतिनिधि है, धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान चलते हैं, धर्म आरूढ़ है। उस प्रतीक जो प्रतीक का जब विस्फोट होता है तो प्रतीक अपना अर्थ जब देता है तो वो आपको अध्यात्म ले जाता है कि धर्म के ऊपर वो आधारित है। इसलिए विश्वास और श्रद्धा का अपना लाभ तो है ही है, लेकिन उसमें जो
जहां बात है, क्योंकि उपासना में इसलिए कहते हैं कि शास्त्र के साथ अगर ये जो अगर मिल जाए, कुछ आचार्य भी ठीक मिल जाए, मार्गदर्शक ठीक मिल जाए और शास्त्र भी ठीक दिशा में, तो फिर उसके अंदर ज्यादा संपन्नता आने की ज्यादा गरिमा रहती है। अन्यथा वो थोड़ा सा वायरस से पैदा करता है, उसमें वो परफेक्शन नहीं आएगी काम के अंदर। आप अपने को अनम्यूट करें। सवाल पूछो। जी जी पूछिए। नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर भाषण था, मगर इसमें मैं एक पूछना चाहूंगा, चिन्ह और प्रतीक जो फर्क है हम लोग क्या था, उसका जरा जवाब मिले तो। फिर से बोले जरा, आपका प्रश्न नहीं हुआ, थोड़ी सी आवाज आपकी लाउड करनी पड़ेगी। और प्रतीक? नहीं नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पूरा सुनाई दिया, थोड़ा सा माइक क्लोज करके बोलिए। चिन्ह चिन्ह और प्रतीक। हाँ हाँ ठीक। और जो सवाल आपने चिन्ह और से पहले, चिन्ह और प्रतीक में मैं थोड़ा सा कुछ स्पष्ट कर दूं आज। जी जी, चिन्ह जो है वो प्रतीक बन सकता है, लेकिन जो चिन्ह है वो हमेशा प्रतीक होता है, ऐसा नहीं होता। चिन्ह में अगर कोई विचार उसके अंदर पीछे एक विचार पूर्वक अगर वो आया है, तो जैसे बिंदु है, बिंदु होता तो चिन्ह ही है, लेकिन वो कहता है कि जब एक विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक प्रयोग किया जाता है बिंदु का, तो वो एक अखंड सत्ता का बोधन करने लगता है, पूर्णता का बोधक जो है सिंबल जो है वो बिंदु के रूप में, महाबिंदु के रूप में उसके ऊपर सारी चेतना की व्याख्या कर देते हैं। तो चिन्ह जो होता है वो प्रतीक के तौर पर उसको लिया जा सकता है, अगर वो किसी विचार पूर्वक वो लगा हुआ है, लेकिन प्रत्येक चिन्ह जो होता है वो ऐसे नहीं होता, वो सिर्फ इतना ही होता है कि उस घर के ऊपर कौवा बैठा था, जिस घर के मैं उस दिन गया था, तो वो उस घर से तुम जाकर के ले आओ, वो वहां पर जो मैंने तुम्हें बताया था कि वो कौवा बैठा है उस घर को, तो वो उपलब्ध मात्र रह जाता है बनकर, उसका कोई वो प्रतीक नहीं बनता है, प्रत्येक चिन्ह प्रतीक नहीं होता है। ठीक है। यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो ठीक, या कोई अपनी बात कहना चाहता है तो फिर धन्यवाद ज्ञापन के लिए घारू जी को निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। जी डॉक्टर साहब। जी जी, आप पूछ लीजिए सर अगर कोई प्रश्न है तो। मेरा ख्याल अभी तो नहीं है, और फिर जी जी थैंक यू डॉक्टर साहब। भारतीय प्रतीक विद्या का स्वरूप एवं उसके दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार, इस विषय पर हम लोगों ने 2 दिन विभिन्न वक्ताओं के वक्तव्य सुने और प्रतीक विद्या के स्वरूप को समझने का हमने प्रयास किया। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बहुत सारे प्रतिभागियों के लिए नई हो सकती हैं। मैं आज सर्वप्रथम आज के जो हमारे आदरणीय वक्ता हैं डॉक्टर रमाकांत अंगिरस जी, मैं उनका अपनी ओर से और इस आयोजन में भाग लेने वाले जो आयोजक संस्थाएं हैं, संस्थान हैं,
मैं उनकी तरफ से दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं, और मेरे लिए हर्ष का विषय ये है कि बहुत सालों के बाद मैंने डॉक्टर अंगिरस जी को आज सुना। उससे पूर्व में मैंने पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में इनको सुना था, तो बहुत मुझे प्रेरित करता है, प्रेरणा मिलती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है जब इनके शब्दों से और इनके से जो चीजें मिलती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे कल के जो वक्ता थे डॉक्टर ऋचा कंबोज जी और डॉक्टर वीरेंद्र जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय पर भाग एक और भाग दो में यह वेबिनार आज संपन्न हो रहा है, और जिस प्रकार से जो विषय डॉक्टर आशुतोष जी के माध्यम से इनके मार्गदर्शन में इनके दिशा निर्देश में हमें प्राप्त हो रहे हैं, निसंदेह जितने प्रतिभागी हैं या जितने लोग हैं वो इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और विशेष धन्यवाद मैं करना चाहूंगा रोहताश जी का, क्योंकि रोहताश जी प्रतिभागी होने के साथ साथ जिस प्रकार से हर सेशन में प्रश्न करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई जो एक जिज्ञासु होता है, एक सुनने वाला, वो प्रश्न जरूर करता है। डॉक्टर आशुतोष जी भी हमेशा ये प्रश्न उठाते हैं कि आप अपने क्रिटिकल व्यूज रिव्यूज आप अपने प्रश्न जरूर उठाया करें, सवाल जरूर उठाया करें, नहीं वेबिनार करने का कोई फायदा नहीं। मन में जितने प्रश्न होंगे, क्योंकि ये प्रश्नों का देश है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ अपनी ओर से, रोहताश जी का, और तमाम उन प्रतिभागियों का जिन्होंने इस दो दिन के सेशन में, दो दिन के इस वेबिनार में भाग लिया। और आने वाले जो वेबिनार हैं उनकी जानकारी डॉक्टर आशुतोष जी ही दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपनी ओर से एसडी कॉलेज अंबाला की ओर से डॉक्टर रमाकांत अंगिरस जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमें अपना समय दिया और हमारा वैचारिक मार्गदर्शन किया इस विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार सभी का। धन्यवाद संजीव जी। हाँ धन्यवाद संजीव जी। इससे पूर्व कि मैं विसर्जन के लिए आप लोगों को कहूँ, उससे पूर्व दो सूचनाएं देना चाहूंगा। कल और परसों जो दो सेमिनार्स हैं, दोनों बिल्कुल विभिन्न दिशाओं के सेमिनार हैं। कल का जो सेमिनार है 10:30 बजे, वो कश्मीर के ऊपर है, और उसमें जो पंडितों की स्थिति रही है और जिस तरह से वहाँ पॉलिटिक्स इवॉल्व हुआ है उसके ऊपर है। 10:30 से लगभग 12 बजे तक का समय रहेगा, बड़ा रुचिकर रहेगा, क्योंकि उसके पूर्व जो वक्ता है उन्होंने पुस्तक भी उस पर निकाली है। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि कल अवश्य जुड़ें, और एक बिल्कुल विभिन्न जो अलग किस्म से जो उसके ऊपर एक दृष्टिकोण है उससे हम परिचित होंगे। और जो परसों है वो आखिरी हमारा रहेगा परिचर्चा का सत्र, क्योंकि उसके बाद ये जो सिस्को वेबएक्स है इसका समय 50 मिनट हो गया है, तो उसके ऊपर कार्यक्रम करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो उसकी सूचना मैं दूंगा। लेकिन परसों का विषय जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और चुनौती वाला है, वो है कि भाषा और ज्ञान के संबंधों पे चर्चा, कि क्या भाषा पर्याप्त है ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए, या क्या पूरे का पूरा ज्ञान हम भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, यह भाषा और ज्ञान पूरे बराबर बराबर हैं, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजी हुई है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि पहले आप प्रश्न, हालांकि मैंने अभी तक वक्ता उसमें निश्चित नहीं किए थे, लेकिन निश्चित रूप से आज मैं कर लूँगा उसके लिए। तो ये दोनों ही विषय जो हैं वो इस माह के अंतिम अंत में रहेंगे, और उनसे हम समापन करेंगे इस पूरे सत्र की। तो मैं चाहूंगा कि कल आप लोग 10:30 से पूर्व 5-7 मिनट पहले जुड़ें, और परसों भी, और हम अलग विषयों को सुन करके अपने दृष्टि का जो विकास है और अपने विचार की अग्रसरता है उसको उसकी ओर हम ध्यान दे सकें। तो ये दो सूचनाएं मैं देना चाहता था कि कल का समय 10:30 बजे है, कल और परसों दो दिन का समय 10:30 बजे है, तो आप 10:20 पे 10:25 पे अधिकतम जो है वो जुड़ जाएं।
और विषय मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, एक कश्मीर से रिलेटेड है और दूसरा आपके ज्ञान और भाषा के साथ संबंधित। हालांकि विषय और बहुत सारे थे लेकिन ये बीच में थोड़ा विघ्न पड़ गया है क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म दूसरा ढूंढना पड़ेगा जहां पर हम इन कार्यक्रमों को आगे संचालित कर सकें, क्योंकि अभी विषय बहुत सारे हैं, बहुत सारी गीत चीजें जानने वाली हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता का, हमारे साथ जुड़े हुए जो प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, प्रोफेसर राजेंद्र जी, डॉक्टर आभा खेत्रवाल जी और राजपाल कौशिक जी, मदन मोहन जी, मनमोहन जी और अन्य सभी जितने भी माननीय श्रोतागण रहे हैं, मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सहयोग और समर्थन दिया। हालांकि संडे था लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला है, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, मैं उसके लिए उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अपना लिंक जो है वो फिलअप कर लिया होगा, फॉर्म भर लिया होगा और पीयूषी जो है यथासमय आप लोगों को सर्टिफिकेट भेज देंगे। तो इन्हीं के साथ आप सभी लोग सभा को विसर्जित कर सकते हैं, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं और फिर कल दोबारा हम सर जी सर मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाह रहा था सर जी। आदेश करें। आदेश नहीं सर, मेरी प्रार्थना, आज जो स्लाइड के ऊपर रिसोर्स पर्सन लिखा हुआ था सर, जो जी सर रिसोर्स शब्द की जगह कोई और अच्छा सा शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि जो आज के जो हमारे मुख्य वक्ता थे आज उनके संदर्भ में जब मैंने ऊपर ये लिखा देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि संसाधन जी अंग्रेजी को अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ऐसी गड़बड़े होंगी, ये बिल्कुल वैसा ही अनुवाद कर दिया जैसे रिलीजन का अर्थ हम धर्म कर देते हैं या किंग का अर्थ राजा करने लगते हैं तो यही गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अंग्रेजी की दृष्टि से रिसोर्स पर्सन का अर्थ जो है जहाँ स्रोत है, जहाँ से हमें स्रोत की प्राप्ति होती है, ये चलता कहाँ से है, ये संसाधन के अर्थ में नहीं लेकिन बात ठीक है, मैं इसको बदल दूंगा। परसों और जो चार परसों के होंगे उसमें हम मेन स्पीकर कर देंगे, मुख्य वक्ता के रूप में अर्थ ले लेंगे। तो ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद है आपका। अब आप सभी लोग मीटिंग कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार जी, कल मिलते हैं सर।